सो गाइस अभी हम लोग टैक्सी में बैठे हैं। टैक्सी वाले ने 1200 रुपीज़ चार्ज किया है। सो बेसिकली उनका एडवांस बुकिंग भी है, अगर आप 24 आवर्स पहले बुक करते हो ना ईशा का खुद का बसेस वगैरह तो वो फ्री में शायद से है, और गवर्नमेंट का बसेस भी है। बट अभी ये मतलब महाशिवरात्रि है और काफ़ी पब्लिक आ रही है तो मे भी मोनोपोली हो सकता है। तो फिलहाल हम लोग 1200 रुपीज़ पे करके टैक्सी में जा रहे हैं, और ओला पे भी अगर आप चेक करते हो तो सेम ऑलमोस्ट सेम प्राइस है। सो फिलहाल हम लोग टैक्सी करके ही जा रहे हैं। सो गाइस हम लोग यहाँ पे ईशा फाउंडेशन यहाँ पे पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हो मेरे पीछे सारा पार्किंग है और सारा लाइट्स वगैरह अरेंज करके रखा है। देखो ये सारा का सारा पार्किंग है, पार्किंग इन्होंने स्पेशली अलग से बनाया हुआ है और ऑलरेडी काफ़ी लोग आ चुके हैं। आप देख सकते हो मेरे पीछे बस, तो काफ़ी लोग ऑलरेडी आ चुके हैं। तो अभी हमने ड्राइवर का नंबर भी ले लिया क्योंकि कल सुबह मॉर्निंग में निकलना पड़ेगा जल्दी, क्योंकि 6 o'clock पर जब भी निकलेगा तो काफ़ी ट्रैफिक होगा और वे आने के लिए बहुत छोटा है, मतलब काफ़ी इनसाइड है इसके लिए। तो नंबर भी ले लिया है, अभी हम लोग यहाँ उतर चुके हैं। अभी हम लोग को जाना है मेन स्टैचू के यहाँ, जहाँ पर एंट्री वहाँ से बाकी सब मतलब बाकी या ध्यान लिंग वगैरह जाना है तो आपको यहाँ से जाना है। तो हम लोग पहले स्टैचू के यहाँ पर जाएँगे और फिर देखते हैं आपके साथ शेयर करते हैं जर्नी योगी आदि योगी का। प्लेस इतना ब्यूटीफुल है, फुल पॉजिटिविटी आ रही है यहाँ पे। ये आप ये गार्डन देख सकते हो, ये गार्डन कितना ब्यूटीफुली इन्होंने प्लांट किया हुआ एकदम सीक्वेंस में, और सारे के सारे सुपारी ट्री है। मतलब मैं भी कैमरे में इतना क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन आप ऐसा खुद के आई से देखिए तो एकदम क्लियर और एकदम ब्यूटीफुल दिख रहा है। सो गाइस थोड़ा चल के हम लोग थक गए, और यहाँ पे कोकोनट का बहुत सारे झाड़ था जो मैंने आपको दिखाया था। ये देखो कोकोनट वाटर कितना प्राइस है, प्राइस तो पूछा ही नहीं अंकल, मतलब पेड़ से तो निकाला है फ्रेश, लेकिन यहाँ पे प्राइस भी थोड़ा कम रहेगा। जैसे मुंबई का पुणे में एकदम ज़्यादा प्राइस है वैसा तो नहीं होगा। तो ये हम लोग सब हाइड्रेट ड्रिंक पी रहे, उसके बाद हम आगे जाएंगे। तो गाइस अभी हम लोग फ्रेश होने जा रहे हैं और काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे मतलब हम लोग फील कर सकते हैं। और मेरे साइड में देख सकते हो मेडिटेशन वगैरह भी है, मेडिटेशन लोग कर रहे हैं, और व्यू देख सकते हो इतना पीस है यहाँ पे। मैं आपको क्या बोलूँ, जाने का मन तो मेरा कर नहीं रहा है, लेकिन देखते हैं अभी फ़िलहाल पूरा फंक्शन बाकी है, मॉर्निंग का टाइम है और ज़्यादा बोलते हैं लेट भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी क्राउड इतना है कि मतलब ऐसे लग रहा है कि अब भी चलोगे फंक्शन। काफ़ी लोग यहाँ पे आ रहे हैं और आना भी चाहिए, काफ़ी लोग आके रेस्ट कर रहे हैं, हम लोग भी जाके फ्रेश होंगे, उसके बाद हम लोग ये करेंगे और फिर हम लोग एक्सप्लोर करेंगे सारे एरिया यहाँ के, और फिर सारे स्टैचूज़ वगैरह जो जो इन्होंने अलग अलग तरीके से बनाए हैं, जो अरेंजमेंट किए वो सारे एक्सप्लोर करके मैं आपको शेयर करता हूँ। सो गाइस हम लोग यहाँ पे आ गए, लेकिन अभी थोड़ा फ्रेश होने के लिए थोड़ा टेंशन जैसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे फ्रेश होने के लिए फ़िलहाल बंद है, या पहले से 3-4 दिन पहले से आप आए हो तो ही उनको ही अलाउड है। तो हम लोग देख रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं कि कोई एक प्लेस मिल जाए जहाँ पे हम लोग नहा चुके फ्रेश हो चुके चेंज कर सके और उसके बाद हम लोग
बाकी की बोलते हैं ना, बाकी जो प्लेस है ईशा फाउंडेशन का, फिर आदि योगी का फैक्ट्री, वो हम लोग एक्सप्लोर कर सके करके। तो फिलहाल ये एग्जिट डोर है, ये एग्जिट डोर है। सो गाइस ये है एंट्री पॉइंट, और आपने बहुत सारे पिक्चर में देखा होगा ईशा फाउंडेशन का, तो ये रहा ईशा का जो उन्होंने मेन डिस्प्ले रखा है, वहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है ध्यानलिंग योगा सेंटर, योगा हॉस्पिटल और होम स्कूल आदि योगी का। तो यहाँ से आप सारी जगह एक्सप्लोर कर सकते हो। फिलहाल ये उसका एंट्री पॉइंट है, थोड़ा हम फोटो शूट कर ले, ऑलरेडी वेटिंग पे दिख रहा है आप लोग को। तो हम लोग अभी चले सूर्यकुंड जा रहे हैं ऑटो से, ऑटो वाला मीटर से जाएगा। अरे ये बैग दे यहाँ से, जो गेट था मैंने आपको दिखाया वहाँ से हम लोगों ने ऑटो लिया 20 रुपीज़ मीटर से, वो हमें सूर्यकुंड छोड़ेगा आश्रम, तो वहाँ पे हम फ्रेश होंगे, फिर वापस यहाँ से ही हम लोग जाएंगे आगे, फिर उसके बाद से बाकी सारी चीज़ें हम एक्सप्लोर करेंगे। तो काफ़ी मतलब ऑटो वाले ने 1 किलोमीटर पहले ही छोड़ दिया था, तो वहाँ से 1 किलोमीटर वॉकिंग का अलाउड नहीं था, ज़्यादा ट्रैफिक हुआ इसके लिए। तो 1 किलोमीटर वॉक करने के बाद हम लोग आश्रम पहुँचे, अब आश्रम में हम लोग फ्रेश होंगे, चेंज करेंगे, फिर वापस वहीं पे जाएंगे यहाँ पे। तो मिलते हैं फिर, हम लोग वहाँ पे दिखाते हैं आपको, अगर आश्रम का भी मैं देखता हूँ, शेयर करता हूँ आपको सारे कुछ डिटेल्स वगैरह, कुछ भी आपको मतलब चेक करने से पॉसिबल हुआ तो मैं आपको शेयर करता हूँ, और मैं आपको आश्रम भी दिखा देता हूँ। हाँ आश्रम यहाँ पे अभी हम लोग जाके फ्रेश होंगे, चेंज करेंगे, फिर निकलेंगे। अभी हम लोग आश्रम के अंदर पहुंच चुके, ये रहा आश्रम, और यहाँ पे देखो सारा आश्रम के अंदर का। सो ये आश्रम के अंदर अभी हम लोग जाके पूछेंगे, डिटेल्स लेंगे। ये उनका मैप है, इतना बड़ा उनका आश्रम है, ये उनका डेली इवेंट्स चलता है जो यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है। सो अब यहाँ से हम लोग जाएंगे, ये इन्फॉर्मेशन सेंटर है, यहाँ से आप देखो बंदी हमारी इन्फॉर्मेशन ले रही है, वो यहाँ से हम लोग देखते हैं यहाँ पे कहाँ चेंज कर सकते हैं, इतना बड़ा आश्रम का ये पूरा मतलब एरिया उनका आश्रम के अंदर का ही है। सो गाइस हमने इन्फॉर्मेशन थोड़ा लगेज रखने के लिए निकाला था, बट लगेज रखने का मतलब इनका ये अवेलेबल नहीं है, सो हमको बैग हमारे साथ ही कैरी करना पड़ेगा। और हाँ की ऐड, तो हमको लगेज हमारे साथ ही कैरी करना होगा, तो सूर्यकुंड जो है वहाँ पे हम लोग फ्रेश होंगे और फिर वापस निकलेंगे। ये उनका आश्रम का जो फूड वगैरह है वो है यहाँ पे, आप यहाँ पे फूड वगैरह लेके खा सकते हो आश्रम का, जो आश्रम प्रोवाइड करता है। और ये उनका रेस्ट ऑफ द थिंग्स है, अभी मेरे को भी पता नहीं, मैं भी फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर कर रहा ये। जो भी आप देख रहे हो सारा आश्रम का अंदर का एरिया है, ये देख सकते हो, रेस्ट करने के लिए वहाँ पे जगह है आश्रम के अंदर का, और यहाँ पे वो खाना खाने का जगह है जहाँ पे लोग खाना खा सकते हैं, और यहाँ पे चेंजिंग रूम है। अभी हम लोग क्या करने वाले, शूज़ निकाल के कैरी करने वाले। सो गाइस हमने शूज़ वहाँ पे सबमिट कर दिया है, और ये टोकन नंबर लिया है, देख रहे हो टोकन 2323 क्या है, 2301, ये टोकन नंबर दिया हमें, और शूज़ हमने वहाँ पे सबमिट कर दिया है। अब हम लोग जा रहे हैं आश्रम के अंदर का, कौन सा कुंड है वो, सूर्य कुंड में, तो मैं वहाँ पे देखते हैं। सूर्यकुंड, हाँ दो कुंड है यहाँ पे, सूर्यकुंड फॉर मेल और चंद्रकुंड फॉर फीमेल। सो हम लोग जो हमारा मेल कुंड है वहाँ पे हम जाके थोड़ा फ्रेश होएंगे, फिर चेंज करेंगे, फिर वापस निकलेंगे,
हम जहाँ पे हम स्टैचू था वहाँ के लिए तो गाइस जैसे हम लोग सूर्य कुंड में जा रहे हैं अभी नहाने के लिए और 100 रुपीज़ है मेरे पीछे देख सकते हैं, उसके बाद हम लोग जाएंगे सूर्य के लिए। तो गाइस हम लोग अभी सूर्य कुंड के अंदर है, उसके बाद हम लोग स्नान करने जाएंगे। ये नॉर्मली बात ले लिया है मेरे पीछे दिख रहा है, अब बात सब लोग ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मली बात ले लिया है और अभी मैं जा रहा हूँ सूर्य कुंड में आने के लिए। वहाँ पे शायद मोबाइल अलाउ नहीं रहेगा, तो मैं वहाँ से बात लेके तुरंत आता हूँ और फिर आपसे कनेक्ट करता हूँ। अब सूर्य कुंड से नहा के हो चुका है और मेरा गेटअप दिख रहा है, आप कुर्ता उर्ता हम लोग ने पहन लिया है और अभी हम लोग निकल रहे हैं वापस, शूज़ वगैरह लेंगे वहाँ से वापस जाएंगे और फिर वही ईशा फाउंडेशन जो है अपना ईशा का याद योगी का मूर्ति वहाँ पर हम लोग जाएंगे और फिर देखते हैं और चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। इस तरह से गाइस अभी देख रहा हूँ, अभी यहाँ से शिव आदि योगी के जो शिव है, शिव की मूर्ति की यहाँ से ये निकल रहा है पालकी। अभी हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं थोड़ा और लड़कियों का वेट कर रहे हैं, वो एक बार आ जाएंगे उसके बाद हम आगे वो होंगे। अभी आपको दिखाया जैसे रथ भी लेके गए, तो उसके बाद हम लोग वहीं पर जाने वाले हैं ईशा फाउंडेशन का जो मेन मूर्ति, ईशा का जो आदि योगी का स्टैचू है वहाँ पर, फिर वहाँ पर हम चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे और देखते हैं और कुछ क्या है सब एक्सप्लोर करके आपको अपने साथ शेयर करेंगे और ये पॉजिटिव वाइब को एंजॉय करेंगे। और मेन फंक्शन तो शाम को मेन इंतजार उसकी है जहाँ पे सब लोग आएंगे, गेस्ट वगैरह गेस्ट आएंगे, फिर बाद में अलग अलग आर्टिस्ट आएंगे, वो अपना स्टेज परफॉर्म करेंगे, एक अलग सा माहौल रहेगा, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो अभी एक्चुअली हमने फ़ोन किया था तो लड़कियाँ चंद्रकुंड के यहाँ पे ध्यान कर रहे हैं, सो हम लोग अभी जा रहे हैं चंद्रकुंड के यहाँ पे। आपको दिखा दो पीछे का व्यू चंद्रकुंड के यहाँ का, ये देखो। अभी देखते हैं हम लोग थोड़ा ध्यान करते हैं, अभी ज़रा ध्यान से सुनिए आप। नारियल